गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित दीमान, आप देख रहे हैं एजीबी कोचिंग सेंटर। आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो, आरएसी क्वेश्चन बैंक पार्ट टू का। और जैसे कि पार्ट वन बना है और कुछ बच्चों को उस पर कमेंट भी आया है, अच्छा लगा मेरे कि बच्चों ने फीडबैक दिया है। और मैं वो फीडबैक इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरे को पता लग सके कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कोई डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ फीडबैक दे के मेरे से पूछ सकते हो, या उसके अंदर कमेंट डाल सकते हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर बनाए या इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमको चाहिए, ताकि मेरे को पता लग सके कि आप लोगों को किस वे में आप थोड़ा लूज हो, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके। तो आप फीडबैक जरूर दीजिए, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके जरूर देखेंगे। और मेन होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आंसर तो हम मान लो हमने तुक्का भी मार दिया, लेकिन अगर हमको डिस्क्रिप्शन याद है, डिस्क्रिप्शन पता है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें कि इसका आंसर वो है तो क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्ड आरएसी ट्रेड के लिए पार्ट टू। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्राई आइस इज, ए ऑप्शन है सोल्डिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है आइस फ्री फ्रॉम डिसोल्ड एरेट गैसेस, ऑप्शन सी आइस फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, एंड डी आइस मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट डिस्टिल्ड वाटर। इसका मीनिंग है हिंदी में, सूखी बर्फ है, ए ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है गुलित वायु और गैसों से मुक्त बर्फ, एंड सी ऑप्शन है बर्फ अशुद्धियों से मुक्त, और डी ऑप्शन है पारदर्शी आसुद जल से बनी बर्फ। तो सबसे पहले तो ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ड्राई आइस होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इट इज यूज्ड प्राइमरी एज ए कूलिंग एजेंट, और इसको एक शीतलन के रूप में, कूलिंग के रूप में यूज किया जाता है। और जो हमारा क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज ए सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड है, और यही इसका आंसर है कि ये ड्राई आइस की हमारी सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इसको कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका आंसर है, आंसर ए सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ वाल्व यूज्ड इन ए रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, ए रोटरी वाल्व, बी पॉपेट वाल्व, सी गेट वाल्व, एंड डी ग्लोब वाल्व। किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग एक घूमने वाले प्रशीतन कंप्रेसर में किया जाता है, ए रोटरी, बी पॉपेट वाल्व, सी गेट वाल्व, एंड डी ग्लोब वाल्व। देखिए वाल्व की बात हो रही है, वाल्व हर कोई क्या काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के अंदर हमेशा पॉपेट वाल्व यूज होता है, क्योंकि ए पॉपेट वाल्व इज ए वाल्व टाइपिकली यूज्ड टू कंट्रोल द टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ गैस और वेपर फ्रॉम इनटू एन इंजन। एक जो हमारा पॉपेट वाल्व है, यह एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ क्वांटिटी गैस और उसके फ्लो को नियंत्रण करता है, जिस कारण से पॉपेट वाल्व रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर में यूज होता है। रोटरी वाल्व, गेट वाल्व एंड ग्लोब वाल्व यूज नहीं होता, ओनली पॉपेट वाल्व यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर बी पॉपेट वाल्व। क्वेश्चन नंबर 28 है, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर इज कॉल्ड, ए वैक्यूम प्रेशर, बी अब्सॉल्व्ड प्रेशर, सी टोटल प्रेशर, एंड डी नेचुरल प्रेशर। वायुमंडलीय और गेज दबाव के योग को कहा जाता है, ए वैक्यूम प्रेशर, अब्सॉल्व्ड प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड नेचुरल प्रेशर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम इज द प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक। जो हमारा वैक्यूम है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहता है। The pressure indicated by a pressure gauge is the pressure from atmospheric, और ये pressure हमको कहाँ दिखता है, pressure gauge के अंदर दिखता है। और atmospheric pressure and gauge pressure जब दोनों को joint किया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, absolute pressure बोलते हैं। तो इसका जो answer है option B, इसका right answer है, absolute pressure is the right answer of sum of atmospheric and gauge pressure is called absolute pressure. Question number 29, a bench vise is used for, A option a holding a job, B cutting a job, C removing excess material, and D all of them. जो हमारा bench vise होता है वो किस कारण से यूज किया जाता है, A option है
जॉब को पकड़ने के लिए, बी जॉब को कट करने के लिए, एंड सी मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो उसका वेस्ट है, एंड डी ये सभी। तो जो हमारा बेंच हो इसे हमारा वर्कशॉप के अंदर यूज होता है और इसका हम यूज क्या करते हैं कि जॉब को ये अच्छी तरह से पकड़ सके, उसकी पकड़ अच्छी तरह से बना सके, इस कारण से हम बेंच वाइज का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, बेंच वाइज इज द राइट आंसर। सॉरी, बेंच वाइज का आंसर है ए ऑप्शन, होल्डिंग ए जॉब। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्यूरिंग लेट एट हीट प्रोसेस ए प्रेशर चेंज, बी प्रेशर डज नॉट चेंज, एंड सी टेम्परेचर डज नॉट चेंज, या डी बोथ बी एंड सी। जो हमारी गुप्त ऊष्मा है उसकी प्रोसेसिंग क्या है, प्रेशर चेंज होगा, बी ऑप्शन प्रेशर चेंज नहीं होगा, सी टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, और डी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चेंज नहीं होंगे। तो जो हमारी लेटेस्ट हीट है ये कहाँ होती है, एवेपोरेटर के अंदर होती है, और जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वहाँ पे क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो लो प्रेशर में जा रही है, रेफ्रिजरेंट हमारा लो प्रेशर में रहेगा, और जो टेम्परेचर है टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, दोनों ही प्रेशर डज नॉट चेंज एंड टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी, बोथ बी एंड सी, मतलब प्रेशर डज नॉट चेंज एंड टेम्परेचर डज नॉट चेंज। इसका राइट आंसर आंसर डी, बोथ बी एंड सी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, इन ए सेल एंड कॉइल कंडेंसर ए ऑप्शन है वाटर फ्लो इन द सेल एंड रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द कॉइल, बी ऑप्शन है वाटर फ्लो इन द कॉइल एंड रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द सेल, एंड सी ऑप्शन है ओनली रेफ्रिजरेंट फ्लो थ्रू बोथ सेल एंड कॉइल, एंड डी ओनली वाटर फ्लो थ्रू बोथ सेल एंड कॉइल। क्या कह रहा है, सेल और कॉइल कंडेंसर के अंदर ए ऑप्शन है जो हमारा पानी है वो सेल के अंदर फ्लो कर रहा है और जो हमारी गैस है वो कॉइल के अंदर फ्लो कर रही है। ऑप्शन बी, जो हमारा पानी है कॉइल के अंदर है और जो हमारी गैस है वो सेल के अंदर फ्लो कर रही है। ऑप्शन सी, केवल रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है सेल में भी और कॉइल में भी। और डी ऑप्शन है, ओनली पानी फ्लो कर रहा है सेल में भी और कॉइल में भी। सबसे पहले मैं बता दूं, कंडेंसर जहाँ पे वर्ड आ गया, जो हमारा कंडेंसर होता है इसके हमेशा जो कॉइल होती है उसके अंदर पानी मूव करता है और जो बाहरी उसका सेल है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सेल है सेल को अंदर, सेल के अंदर होती है कॉइल। अब कॉइल के अंदर हमारा ठंडा पानी पास हो रहा है तो वहाँ से हीट एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में जो सेल का डाया है उसके बाहर नेचुरल एयर है तो उसके साथ भी हीट एक्सचेंजर का वर्क होता है, जिस कारण से जो हमारा कंडेंसर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसी कारण से जो हमारा वाटर फ्लो है वो कॉइल में होगा और रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द सेल। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, वाटर फ्लो इन द कॉइल एंड रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द सेल। ठीक है, आंसर बी, वाटर फ्लो इन द कॉइल एंड रेफ्रिजरेंट फ्लो इन द सेल, इन ए सेल एंड कॉइल कंडेंसर। द मिल्क इज स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, ये ऑप्शन है -5°C, B 10°C, C 0°C, एंड D 4°C। जो हम दूध को स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, ए ऑप्शन है -5°C, B 10°C, C 0°, और D 4°C। सबसे पहले तो हम अपने अपने ताज़ा दूध को फ्रिज में 3 से 4 डिग्री के बीच में रखते हैं। क्यों रखते हैं, वी कीप एंड स्टोर आवर फ्रेश मिल्क इन रेफ्रिजरेटर एट बिटवीन 3 and 4, कीप मिल्क कंटेनर क्लोज एंड स्टोर्ड अवे फ्रॉम स्टोरिंग स्मेलिंग फूड आइटम इन द फ्रिज। कि जो हमारे फ्रिज के अंदर हमको पहली बात तो दूध को जमाना नहीं है, जो उसका टेम्परेचर है केवल उसको उतना रखेंगे कि वो खराब ना हो सके। ठीक है, तो जो हमारे दूध का टेम्परेचर जो रिक्वायर है उसके लिए 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, ताकि वो मेंटेन रहे, उसको हम यूज कर सकें। इस कारण से उसको जो स्टोर करेंगे हम टेम्परेचर पे वो 4 डिग्री सेल्सियस है, जिसके ऊपर हम इसको स्टोर करेंगे। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है, 4°C। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज,
ये ऑप्शन है ऑर्डरलेस, बी इजी टू हैंडल, सी लाइट इन वेट एंड डी लो कंडक्टिविटी। इंसुलेट सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, ये ऑप्शन है बिना गंध वाला, बी संभालने में आसान हो, सी वजन में हल्का हो एंड डी कम चालकता। देखो हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कि जो उसकी हीट है वो बाहर ना जाए, या अगर कोल्ड है तो उसकी यानी कि जो अंदर की उष्मा है वो बाहर ना जाए, बाहर के सराउंडिंग टेम्परेचर में मिक्स ना हो। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें कि हमारा ये ऑप्शन है ऑर्डरलेस, बिना गंध वाला होना चाहिए, हमको इस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसमें से गंध आ रहा है या नहीं आ रहा। बी ऑप्शन इजी टू हैंडल की वो आसानी से हमसे हैंडल होगा या नहीं होगा, सी लाइट इन वेट की वो वजन में हल्का है या नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन लो कंडक्टिविटी ऐसा तो होना चाहिए कि जो उसकी उष्मा है वो वहीं तक रहे, वो सराउंडिंग टेम्परेचर में मिक्स ना हो या सराउंडिंग एयर के साथ कोई हीट एक्सचेंजर का काम ना करे। तो ऑप्शन डी इसका इसी कारण से आंसर है, लो कंडक्टिविटी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज लो कंडक्टिविटी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। एयर रेफ्रिजरेशन वर्क ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, बी बेलकोमन साइकिल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन है किस पर काम करता है, ए कार्नोट चक्कर पर, बी बेलकोमन चक्कर पर एंड सी ए और बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो बता दूं जो एयर रेफ्रिजरेशन है ये हमारा एरोप्लेन में यूज होता है और ये बेलकोमन साइकिल के ऊपर काम करता है। क्यों काम करता है, दी बेलकोमन साइकिल आल्सो कॉल्ड एज दी जूल और रिवर्स बायनेट साइकिल, इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, रिवर्स बायनेट साइकिल, इज ए रेफ्रिजरेंट साइकिल वेयर दी वर्किंग फ्लूइड इज ए गैस दैट इज कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड बट डज नॉट चेंज फेस। और एयर जो है इसमें इसके अंदर रेफ्रिजरेशन के रूप में यूज की जाती है और यह एक प्रशीतन चक्र है, तो इस कारण से एयर रेफ्रिजरेशन वर्क है जो बेलकोमन साइकिल के ऊपर काम करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, एयर रेफ्रिजरेशन वर्क ऑन बेलकोमन साइकिल। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, इन लिथियम ब्रोमाइड वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम द कोरोसिन इनहिबिटर यूज्ड इज ए वाटर, बी लिथियम ब्रोमाइड, सी NaCl एंड डी HCl। लिथियम ब्रोमाइड जल अवशोषण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाला संक्षारण अवरोधक है, ए जल, बी लिथियम ब्रोमाइड, सी NaCl एंड डी HCl। सबसे पहले तो लिथियम ब्रोमाइड जो है इसके अंदर जो हमारा वाटर होगा वो तो रेफ्रिजरेंट का काम करेगा और जो लिथियम ब्रोमाइड है वो एक अब्जॉर्बेंट है एंड इसमें कोरोसिन नो इनहिबिटर के लिए लिथियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी है लिथियम ब्रोमाइड इसका राइट आंसर है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 35, द लिथियम ब्रोमाइड वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम द कोरोसिन इनहिबिटर यूज्ड इज, आंसर बी लिथियम ब्रोमाइड। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, नेचुरल फ्लेम इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग कंटेन, ए ऑप्शन है इक्वल एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, बी मोर ऑक्सीजन एंड सी मोर एसिटिलीन एंड डी नन ऑफ दीज। जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस है वेल्डिंग में तट से लो शामिल है, ए बराबर होना चाहिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन के, बी ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन चाहिए, सी ऑप्शन है अधिक एसिटिलीन चाहिए एंड डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो नेचुरल फ्लेम है उसके अंदर इफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इक्वल पोजिशन, अगर नेचुरल फ्लेम के अंदर हमारा ऑक्सीएसिटिलीन और ऑक्सीजन एक समान अनुपात में है, दोनों बराबर हैं, देन नेचुरल फ्लेम इज प्रोड्यूस फॉर मोस्ट वेल्डिंग ऑपरेशन, नेचुरल फ्लो इज यूज्ड सो इज इट लिस्ट केमिकल इफेक्ट ऑन हीट मैटर। तो जिस भी मेटल के हम ऊपर वेल्डिंग करते हैं उसके ऊपर जो पकड़ होती है बहुत अच्छी बनती है, जिस कारण से एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन को बराबर मात्रा में रखा जाता है, बराबर रेशो में रखा जाता है 1:1 में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है इक्वल एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। आंसर है इक्वल एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन।
आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑटो डिफ्रॉस्ट ऑपरेटेड बाय ए ऑपरेटर फैन करेगा, बी थर्मोस्टेट, सी टाइमर स्विच एंड डी हीटिंग एलिमेंट्स एलिमेंट। सबसे पहले तो ऑटो डिफ्रॉस्ट ऑपरेटेड मतलब कि अपने आप ही बर्फ का पिघलना कौन ऑपरेट करता है, ए ऑपरेटर पंखा करेगा, बी थर्मोस्टेट करेगा, सी टाइमर स्विच करेगा या डी हीटिंग एलिमेंट करेगा। ऑटो डिफ्रॉस्ट होता है हमारा डबल डोर फ्रिज के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके उसके अंदर टाइमर लगा होता है, टाइमर के ऊपर सेट होता है कि जो हमारा कंप्रेसर है 8 घंटे चलेगा। अभी तो जैसे किसी में 8 घंटे, किसी में 8.5 घंटे है, 9 घंटे भी है, लेकिन एक बेसिकली बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर सेट होता है कि 8 घंटे चलेगा कंप्रेसर, उसके बाद वो कट मार देगा, चाहे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हुआ हो या नहीं हुआ हो, रेगुलर 8 घंटे चलने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा और उसके 5 मिनट तक हीटर ऑन होगा। हीटर क्यों ऑन होगा, जितनी भी डिफ्रोस्ट आई हुई है वो सब क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्ट हो जाएगी, तो उसके लिए हम टाइमर स्विच का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आंसर सी टाइमर स्विच, ऑटो डिफ्रोस्ट ऑपरेटेड बाई टाइमर स्विच। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम गोज अप टू द, ए ऑप्शन है लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द, बी फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द कंडेंसर, सी लार्ज साइज ऑफ द कंडेंसर एंड डी अंडर चार्ज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। प्रशीतन प्रणाली में कंप्रेसर के निर्वहन दबाव के कारण ऊपर चला जाता है, ए कंप्रेसर की कम मात्रा में दक्षता, बी संघनित में पैमाने का गठन, सी कंडेंसर का बड़ा आकार और डी रेफ्रिजरेंट का अंडर चार्ज। सबसे पहले तो अगर आपके कंप्रेसर के अंदर डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो रहा है, इसका सीधा मेन इफेक्ट एंड मेन पर्पज क्या है, आपका कंडेंसर सही तरह से काम नहीं कर रहा, जो आपका कंडेंसर है उसके अंदर हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा, और इसका रीजन क्या है, या तो आपके कंडेंसर में पानी कम है या उसकी लाइनों के अंदर स्केलिंग आ गई है, डस्ट आ गई है, जिस कारण से पानी मूवमेंट नहीं कर रहा, या पानी मूवमेंट कर रहा है लेकिन उतने प्रेशर में नहीं कर रहा, और जैसे कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर के अंदर स्केलिंग आ जाना भी क्या रीजन है, हमारा डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाएगा कंप्रेसर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द कंडेंसर, जब भी हमारे कंडेंसर के अंदर स्केलिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई होना स्टार्ट हो जाता है कंप्रेसर के अंदर। लेकिन ऑप्शन ए कंप्रेसर की दक्षता बढ़ जाएगी, या कंडेंसर का साइज बड़ा होना, या रेफ्रिजरेंट अंडर चार्ज करना, ये नहीं है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द कंडेंसर इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन द कंडेंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन रेफ्रिजरेशन एट प्लेस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक पावर, ए एयर रेफ्रिजरेशन, बी वेपर कंप्रेशन, सी वेपर अब्जॉर्प्शन एंड डी स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। इसका मीनिंग है, निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग उन स्थानों पर प्रशीतन प्राप्त करने के लिए किया जाता है जहां कोई विद्युत शक्ति नहीं है, ये ऑप्शन है एयर रेफ्रिजरेशन, बी वाष्प संपीड़न, सी वाष्प अब्जॉर्प्शन और डी है स्टीम जेट प्रशीतन। आपको बता दूं जो हमारा सिस्टम है वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसके अंदर कंप्रेसर यूज नहीं होता है, इसके अंदर हमारा जनरेटर यूज होगा, अब्जॉर्बर यूज होगा और हीट एक्सचेंजर यूज होगा। तो इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा के स्थान पे उसमें ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से इसको इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी साइकिल में हमको इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं है, तो वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों के अंदर हमको इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता है। तो आंसर सी इसका राइट आंसर है, आंसर सी वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48 ने फ्लडेड ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस इज एम्प्लॉयड, ए फ्लोट वाल्व, बी कैपिलरी ट्यूब, सी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व एंड डी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। जो हमारा फ्लडेड ऑपरेटर है उसमें किस प्रकार के एक्सपेंशन डिवाइस का यूज किया जाता है, ए फ्लोट वाल्व का, बी कैपिलरी ट्यूब का, सी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व और डी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। सबसे पहले बता दो, जो फ्लडेड ऑपरेटर होता है
यह कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हमको रेफ्री जो वहाँ पे हमारा अमोनिया प्लांट हो, टेम्परेचर माइनस में चाहिए, वहाँ पे यूज होगा। और फ्लोट, और इसके अंदर जो हमको एक्सपेंशन डिवाइस चाहिए वो फ्लोट वाल चाहिए, कि जो हमारा एपरेटर है वो रेफ्रिजरेंट के लेवल को मेंटेन रख सके। जैसे ही हमारे रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम हो तो ये ऑटोमेटिकली उसमें चार्ज कर दे, इस कारण से इसमें फ्लोट वाल लगा होता है जो रेफ्रिजरेंट के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर ए फ्लोट वाल, सॉरी आंसर ए फ्लोट वाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ह्यूमन बॉडी कैन लॉस हीट इवन इफ इट्स टेम्परेचर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। बी द इंक्रीज इन एयर मूवमेंट इंक्रीज द एवेपोरेशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। एंड सी द वार्म एयर इंक्रीज द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। एंड डी बोथ ए एंड बी। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है, मानव शरीर ऊष्मा खो सकता है भले ही उसका तापमान वायुमंडलीय तापमान से कम हो। बी ऑप्शन है, हवा की गति में वृद्धि मानव शरीर से वाष्पीकरण बढ़ाती है। सी ऑप्शन है, गर्म हवा मानव से गर्मी के विकिरण के दर को बढ़ाती है। और डी बोथ ए और बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम ये ऑप्शन की, द ह्यूमन बॉडी कैन लॉस हीट इवन इफ इट्स टेम्परेचर लेस देन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब मानव शरीर उष्मा खो सकता है, मतलब अपना जो उसका हीट है उसको कम कर सकता है भले ही उसका टेम्परेचर वायुमंडलीय तापमान से कम हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे उसका वायुमंडलीय टेम्परेचर से तापमान कम हो जाए लेकिन वो अचीव कर सकता है। ऑप्शन बी, द इंक्रीज इन एयर मूवमेंट इंक्रीज द एवेपोरेशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। मतलब हवा की गति में वृद्धि मानव शरीर से वाष्पीकरण को बढ़ाती है। अगर हम हवा की गति में चल रहे हैं तो हमको एवेपोरेशन आगे, मतलब क्या होता है, जैसे हम बाइक पे चल रहे हैं तो हमको हवा भी लगती है लेकिन साथ में क्या आता है, पसीना भी आता है, मतलब वो क्या हो रहा है, एवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात भी इसकी करेक्ट है। ऑप्शन सी, द वार्म एयर इंक्रीज द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। गर्म हवा मानव से गर्म के विकिरण की दर को बढ़ाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडिएशन जो है हमारा एक साइड से क्या होता है, ये हीट कन्वर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी गलत है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से सही है, तो तुम्हारा ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, तो आंसर डी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। देर इज नो रिले एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर इन CSR सर्किट, CSIR सर्किट, डी RSIR सर्किट एंड डी PSE सर्किट। CSR की फुल फॉर्म क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। CSIR कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। RSIR रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। एंड PSE परमानेंट सप्लिट कैपेसिटर। और जो हमारा क्वेश्चन है, देर इज नो रिले एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर इन, किसके अंदर रिले यूज नहीं होता, जो हमारा परमानेंट सप्लिट कैपेसिटर है इसके अंदर कैपेसिटर यूज, हमारी रिले यूज नहीं होती, ओनली परमानेंट सप्लिट कैपेसिटर इसमें यूज होता है। तो हमारा आंसर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें परमानेंट सप्लिट कैपेसिटर यूज होता है, रिले इसमें यूज नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। इन सीजे सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? ए ईआरजी, बी डाइन, सी न्यूटन एंड डी जूल। तो सीजे सिस्टम के अंदर हमारी जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट हमारी डाइन है इन सीजे सिस्टम। सीजीएस का मीनिंग क्या है? दी सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स कम फ्रॉम द सेम इक्वेशन एंड इज कॉल्ड डाइन। एंड सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ हैलाइड टॉर्च इन द केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रियोन रेजिडेंट विल चेंज टू ए येलो, बी रेड, सी ब्राइट ग्रीन एंड डी ऑरेंज। फ्रियोन सर्द के रिसाव के मामले में हैलाइड टॉर्च की लो का रंग बदल जाता है, ए पीला हो जाएगा, बी लाल, सी चमकीला हरा और डी नारंगी। सबसे पहले तो हम हैलाइड टॉर्च का यूज क्यों करते हैं? जब हमारा रेजिडेंट लीक हो रहा है तो उसके लिए हम हैलाइड टॉर्च का यूज करते हैं। और जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाता है, और वो कलर
किसमें हो जाएगा, हमारा ब्राइट ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आंसर सी ब्राइट ग्रीन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, दी डिफरेंस बिटवीन डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी इज कॉल्ड, डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी के बीच के अंतर को कहा जाता है ए वेट वॉल्यूम डिप्रेशन, बी ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, सी इफेक्टिव टेम्परेचर एंड डी एडियाबेटिक सेचुरेशन टेम्परेचर। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का अंतर क्या कहते हैं, गीला बल्ब अवसाद, बी ऑप्शन है ओस बिंदु अवसाद, सी ऑप्शन है प्रभावी तापमान और डी ऑप्शन है एडियोबैटिक स्थिर तापमान। देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, जब इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो हमारा क्या होगा, गीला बल्ब अवसाद होगा, मतलब वेट बल्ब डिप्रेशन आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वेट बल्ब डिप्रेशन है, इसका राइट आंसर आंसर ए वेट बल्ब डिप्रेशन, सॉरी यहाँ पे बी लिखा लेकिन आंसर है ए है इसका वेट बल्ब डिप्रेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, द इफेक्टिवनेस ऑफ कूलिंग टावर डिपेंड ऑन ए डीबीटी ऑफ एयर, बी डब्ल्यूबीटी ऑफ एयर, सी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर एंड डी नन ऑफ द अबव। जो हमारा कूलिंग टावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है इफेक्टिव होने के लिए, ए है ड्राई बल्ब वाली एयर पे, बी डब्ल्यू बी टी वाली एयर पे एंड सी जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रही है उस पे, या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो कूलिंग टावर होता है हमारा उसके अंदर दो चीज होती है, हॉट वाटर कमिंग होता है एंड कोल्ड वाटर वापसी जाता है। अगर हमारा हॉट वाटर टेम्परेचर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तो कूलिंग टावर हमारा इफेक्टिव नहीं होता, और जो हमारा हॉट वाटर आ रहा है या सिंपल वाटर आ रहा है वो होता हमारा, उसका जो टेम्परेचर होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। मतलब अगर हमको हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर इक्वल टू रेंज, कि उसका टेम्परेचर कितना ब्रेक हो रहा है, इफेक्टिवनेस कितना है, और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डब्ल्यू बी टी के ऊपर। अगर हमारा पानी हॉट से कोल्ड नहीं हो रहा है तो कूलिंग टावर हमारा इफेक्टिवनेस नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है डब्ल्यू बी टी ऑफ ईयर आएगा, आंसर बी, क्योंकि हमारा कूलिंग टावर का काम क्या है, पानी को ठंडा करना, और अगर हमारा वही नहीं हो रहा है तो हमारा कूलिंग टावर इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डब्ल्यू बी टी ऑफ एयर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेगेटिव प्रेशर इज आल्सो नोन एज ए वैक्यूम प्रेशर, बी गेज प्रेशर, सी अब्सोल्यूट प्रेशर एंड डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा नेगेटिव प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, ए वैक्यूम प्रेशर, बी गेज प्रेशर, सी अब्सोल्यूट एंड डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है, माइनस में होना। माइनस में हम क्या करते हैं, जब हमको क्या करना होता है, गैस हमको सिस्टम को वैक्यूम करना होता है। हम सिस्टम को वैक्यूम क्यों करते हैं, उसमें से एयर निकालने के लिए हम सिस्टम को वैक्यूम करते हैं, और जब वैक्यूम करते हैं तो हमारा कंपाउंड गेज में जो वैल्यू होती है हमारी माइनस में शो करती है कि हमको माइनस में प्रेशर लेके जाना है, और वो जो माइनस में प्रेशर जा रहा है वो क्या होता है हमारा, वैक्यूम प्रेशर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वैक्यूम प्रेशर। इसका राइट आंसर है नेगेटिव प्रेशर इज आल्सो नोन एज वैक्यूम प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर ए वैक्यूम प्रेशर। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम द कंफर्ट कंडीशन आर डिफाइंड बाय ए 15 डिग्री सेल्सियस डीबीटी 90% आरएच, बी 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी 35% आरएच एंड सी 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी 80% आरएच एंड डी 22 डिग्री सेल्सियस डीबीटी 60% आरएच। जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है कंफर्ट कंडीशन, मतलब एक ह्यूमन कंफर्ट के लिए कितना टेम्परेचर हमको चाहिए, ए है 15 डिग्री सेल्सियस और हमारी आरएच 90% होनी चाहिए, बी ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 35% आरएच, सी ऑप्शन है 20 डिग्री टेम्परेचर और 80% आरएच, और डी ऑप्शन है 22 डिग्री सेल्सियस और आरएच 60%। सबसे पहले तो जो हमारी आरएच है वो हमारी 50 से 60 के बीच में होनी चाहिए एक ह्यूमन कंफर्ट के लिए, ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर है एक नॉर्मल वे में 22-24 तक रहना चाहिए एक ह्यूमन कंफर्ट के लिए। तो इन ऑप्शनों में जो जैसे आरएच हम देख रहे हैं 90% आरएच, 35% आरएच, 80% आरएच, इतना नहीं होना चाहिए, हमारी आरएच 50-60% के बीच में होना चाहिए। और जो हमारा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस या 25
या 20 डिग्री सेल्सियस, 25 हो सकता था अगर यहाँ पे RH की वैल्यू सही होती तो, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू किसकी सही है, ऑप्शन डी की है, 22 डिग्री सेल्सियस एंड 60% RH। ये DVT क्या शो कर रहा है, ड्राई बिलो टेम्परेचर, मतलब आपके रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर डी, 22 डिग्री सेल्सियस DVT एंड 60% RH। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ए CHU, बी BTU एंड सी कैलोरी, डी स्पेसिफिक हीट। 1 पाउंड सी के माध्यम से 1 पाउंड पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा क्या होती है, CHU, BTU, कैलोरी एंड स्पेसिफिक हीट। ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है CHU की, और इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि CHU जो होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पाउंड के अंदर वैल्यू है और ये CHU में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या, आंसर है CHU। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डिस्केलिंग इन कंडेंसर, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी फास्फोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड डी क्रिटिक एसिड। सबसे पहले बात, यानी कि जो हमारा इसका मीनिंग है, कंडेंसर के अंदर डिस्केलिंग करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होगा, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी फास्फोरिक, सी सल्फ्यूरिक एंड डी क्रिटिक। जो हमारा कंडेंसर है उसके अंदर जैसे भी बात आई थी पीछे डी, वो स्केलिंग वाली स्केलिंग आ गई, स्केलिंग करने के लिए हमको डिस्केलिंग करने की जरूरत होती है, और डिस्केलिंग करने के लिए हम उसको क्या डालते हैं, केमिकल यूज करते हैं, और वो केमिकल कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज करेंगे और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, कंडेंसर को डिस्केल करेंगे, जिससे कि जो हमारी कंडेंसर की कॉइल है वो अच्छी प्रकार से क्लीन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, तो आप ये क्वेश्चन देख रहे थे इजीवी कोचिंग सेंटर के ऊपर, इजीवी के अंदर ITI, PSU, मेट्रो, रेलवे कोचिंग सेंटर की ट्रेनिंग या कोचिंग दी जाती है, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये मोबाइल नंबर है अगर आपको यहाँ पे कोचिंग लेनी हो। और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, और आप प्लीज़ फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक में ज़रूर लिखें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको वो प्रॉब्लम ना हो और मैं उन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर पाऊँ। इस कारण से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप चाहे कुछ भी लिखो मुझे कोई, मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप जो भी फीडबैक दोगे आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहे रॉन्ग लिखो या राइट लिखो नो प्रॉब्लम, पर आप कमेंट जरूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चनों के साथ, तब तक थैंक यू।